सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में मां माटी और संदेश खाली। चुनावी मौसम में संदेश खाली बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है। आज कई घंटों की मेहनत के बाद सीबीआई को अंततः शाहजहां शेख की हिरासत मिल गई। संदेश खाली की पिच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरुद्ध फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी 10 दिन के अंदर बंगाल के 3 दौरे कर रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए बंगाल विजय कितनी जरूरी है। अब प्रश्न ये कि संदेश खाली को राजनीतिक हथियार बनाकर क्या बीजेपी मिशन 35 का लक्ष्य पूरा कर पाएगी। आखिरकार सीबीआई को संदेश खाली के खलनायक शाहजहां शेख की कस्टडी मिल गई। अब सीबीआई टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख की क्राइम कुंडली खंगाले। इससे पहले आज कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को उस समय बड़ा झटका लगा जब हाईकोर्ट ने कहा कि आज ही बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करना। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर ईडी टीम पर हमले के आरोपी और संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगा रही है। पिछले 2 महीने से चुनावी मौसम में नॉर्थ 24 परगना का संदेश खाली बंगाल की लड़ाई का एपिसेंटर बना हुआ है। जिस तरह से संदेश खाली में कई महिलाओं ने टीएमसी ऑफिस में शाहजहां शेख पर यौन शोषण और जमीनों पर कब्जे के आरोप लगाए, उससे टीएमसी बैकफुट पर दिख रही है। पीएम मोदी ने बंगाल में विजय का बिगुल तो पहले ही बजा दिया, लेकिन बीजेपी का टारगेट है कि बंगाल की 42 सीटों में वो 35 सीटों पर भगवा परचम लहराए। इसीलिए पीएम ने बंगाल की कमान खुद अपने हाथ में ले रखी। पीएम 10 दिन के अंदर बंगाल के 3 दौरे कर रहे हैं। पहले वो 1 मार्च को आए और बंगाल में रात्रि प्रवास किया। उसके बाद पीएम ने आज बंगाल को अंडर वाटर मेट्रो के साथ करोड़ों की सौगात दी। अब पीएम 3 दिन बाद यानी 9 मार्च को फिर बंगाल आ रहे हैं। आज भी संदेश खाली की सियासी पिच पर पीएम मोदी ममता सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग करते नजर आए। घोर पाप करे छे, संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इतना नहीं, पीएम मोदी ने संदेश खाली की 5 महिलाओं से मुलाकात भी की। पीएम ने महिलाओं का दर्द साझा किया और उनसे कहा कि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं। भाई आलंगिनी
হ্যাঁ ভয় আছি, আমরা ভয়ে এখন মরে যাচ্ছি ভয়ে, আমরা থাকতে পারছি না, আমরা বাড়িতে থাকতে পারছি না, ওরা সব সম্পত্তি আমাদের নিয়ে নিয়েছে, আমরা খুব কষ্টতে আছি। আমরা ये बेरमजूर से आए हैं संदेश खाली से, जिन्होंने साफ तरीके से कहा कि शेख शाहजहां अरेस्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन शेख शाहजहां के बहुत सारे एसोसिएट्स हैं, उनका भाई है शिराज, जिनके लोग इन्हें अभी भी डराते हैं, इन्हें अभी भी धमकाते हैं, और उनका डर जो है वो सताता रहता है इन्हें। भारत माता की। पीएम मोदी ने मोबाइल टॉर्च जलाकर भारत माता की जय के नारे भी लगवाए। इसके बाद बारी आई संदेश खाली में महिलाओं पर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की। पीएम ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि उनके राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो मूक दर्शक बनी। एमपी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। 12/7 में पीएम मोदी ने बंगाल की मां बेटियों को अपना परिवार बताकर विरोधियों पर जोरदार वार किया। मेरे देश की ये बहने जो यहां बहुत बड़ी संख्या में आई है, जो देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, यही तो है मोदी का परिवार, यही तो है मोदी का परिवार, एटाई तो आमार परिवार। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर पलटवार करने में देरी नहीं की। उन्होंने कहा कि बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर संदेश खाली पर अपनी सियासत चमका रही। आज जे भावे सब चलछे, आमरा चाहि इम्पार्शियल इलेक्शन, आमरा बीजेपी इलेक्शन चाहि ना, आमरा इम्पार्शियल इलेक्शन चाहि। बांग्ला एकमात्र जायगा जेखाने इम्पार्शियल इलेक्शन हय, आर बांग्ला एसे जारा बड़ बड़ कथा बोलछे ताके आमि बोलबो एकबार उत्तर प्रदेशे जान, গত পরশুদিন দুটো নাবালিকাকে খুন করে তার হাতগুলোকে বেঁধে খুন করে নির্যাতন করেছে। একবার বিলকিসের বাড়িতে যান, একবার হাতরাসে যান, একবার সাক্ষীর কাছে যান, দেখে আসুন বাংলা অনেক সুস্থ, বাংলা অনেক শান্ত। বিজেপির মনগড়া কিছু দাঙ্গার ছক, কিছু দাঙ্গার আন্দোলন দিয়ে বাংলার মা বোনদের যে অসম্মান করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এতে বাংলার মা বোনেরা খুশি নয়। বিজেপি জানতি হ্যায় কি আগর উসে 370 কা টার্গেট পুরা করনা হ্যায় অর দেশ মে এনডিএ কো 400 পার করনা হ্যায় তো উসকে লিয়ে বঙ্গাল মে বড়ি বিজয় জরুরি হ্যায়। কলকাতা সে অনুপম মিশ্র কে সাথ সূর্যাগ্নি রয়, 12/7 আজ তক। বঙ্গাল মে সন্দেশ খালি পর মহিলা সুরক্ষা কে নাম পর বিজেপি অর টিএমসি মে আর পার কা যুদ্ধ চল রহা হ্যায়, লেকিন বিজেপি নে সন্দেশ খালি কে সম্ভাবিত রাজনৈতিক ফায়দে কো দেখতে হুয়ে আপনি রণনীতি মে বদলাব কিয়া। পিছলে বর্ষ তক বঙ্গাল মে বিজেপি কা মুখ্য মুদ্দা ভ্রষ্টাচার থা, লেকিন আব পহলা হথিয়ার মহিলা সুরক্ষা হো গিয়া। টিএমসি মোদী কে দৌরে পর পুছ রহি হ্যায় কি জব ইতনি হি মোদী লহর হ্যায় তো মোদী কো 10 দিন মে 3 বার বঙ্গাল কিউ আনা পড় রহা হ্যায়। बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी, चोर, रोहिंगा जो मनाए वो बोलते हैं, ये आपके नारी शक्ति का उदाहरण है जो बंगाली नारी को अपमान करते हैं। आपने उम्मीदवार को तो बदल दिया, लेकिन भाजपा की सोच बदली क्या? ये सच है कि चुनाव से ठीक पहले संदेश खाली में शाहजहां शेख की वजह से टीएमसी की काफी किरकिरी हो चुकी है। बीजेपी जहां ममता बनर्जी पर शाहजहां का कवच बनने का आरोप लगाती, वहीं टीएमसी ऐसे आरोपों को बेबुनियाद बता रही। लेकिन इस मामले में कांग्रेस
बीजेपी के सुर में सुर मिलाकर टीएमसी सरकार को घेर रही। राज्य सरकार ये विश्वास करते हैं कि सीआईडी ये मामला को फैसला कर सकते हैं, क्योंकि शेख सजाद को गिरफ्तार कोई सीबीआई ईडी नहीं किया, पश्चिम बंगाल के पुलिस किया। तो इसलिए जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गए हैं इसको खिलाफ। आज देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देते हैं। सीबीआई अकेले दम पर सारे ये खूंखार जो अपराधी हैं इन सबको दबोच में ले पाएगी या पकड़ने पाएगी, क्योंकि ये सारे सूबे की सरकार, ये संदेश कल की जितने सारे दरिंदो हैं, ये सबको ये मदद करते हैं, सबको पनपते हैं, इन्हीं की दया से, इन्हीं की ताकत से, इन्हीं की मदद से सारे संदेश कल, बल्कि नहीं सारे बंगाल में सारे दरिंदों ने राज कायम किए हैं। चाहते हैं कि इसका तह तक इंक्वायरी हो, और ये दर्शाता है, ये हाईकोर्ट की वर्डिक्ट है वो दर्शाता है कि जुडिशियरी हैज नो फेथ ऑन द ममता बनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन की गाल के ऊपर तमाचा है, और ऐसा तमाचा कोर्ट बार बार मार चुकी है। ममता बनर्जी की प्रशासन के ऊपर जुडिशियरी की कोई विश्वास नहीं है। संदेश खाली और महिला सुरक्षा पर बीजेपी और टीएमसी में आर पार की जंग जारी है। टीएमसी पूछती है कि बंगाल बीजेपी के नेता खुद सीएम ममता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, वहीं बीजेपी कहती है कि ममता सरकार एक्सपोज हो चुकी है। कि आप नारी शक्ति के बारे में बोलते हैं, लेकिन भाजपा के आपके नेतृत्व यहाँ ममता बनर्जी के संबंध में ऐसे भाषा प्रयोग करते हैं, ऐसा उस व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करते हैं। सुकांत मजुमदार बोलते हैं, देखिए तो उनकी साड़ी कैसी है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी, चोर, रोहिंगा, जो मनाए है वो बोलते हैं। ये आपके नारी शक्ति का उदाहरण है। आसनसोल में आपने पवन सिंह को दिया, जो बंगाली नारी को अपमान करते हैं। आपने उम्मीदवार को तो बदल दिया, लेकिन भाजपा की सोच बदली क्या? साफ साफ दिखाई देता है कि वो 50 दिन तक बचता रहा, तो ममता सरकार उसको बचाती रही, इसलिए बचता रहा वो। आज संदेश खाली में जिस प्रकार से माँ बहन की बेटी को इज्जत लूटने का काम किया गया है, अकबर का जमाना याद आता है कि वो शाम को मीना बाजार झारखंड के अंदर घूमने जाता था, जो लड़की अच्छी लगती थी उसको उठा के ले आया करता था। आज वेस्ट बंगाल में यही कांड चल रहा है, और आज उसको जनता को, वहां की महटियों को, महिलाओं को न्याय मिलने वाली बात होती है, तो आज फिर वो शेरखा के पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है। साफ साफ जाहिर होता है कि वहां जंगल राज है, और जंगल राज के माध्यम से माँ बहन बेटों की भी इज्जत सुरक्षित नहीं है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।